हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी जो कि एक दवाई पर काम कर रहा होता है। ये दवा आदमी को पूरी तरह गायब कर सकती है। ये साइंटिस्ट बचपन से ही बहुत बदमाश होता है। यहाँ ये छोटा सा बच्चा जो कि साइंटिस्ट ही है, जिसका नाम केल्विन है, दूर से ग्रहों पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम आ जाती है। वह देखती है उसका बच्चा एक खोज में लगा हुआ है। ये देख उसकी मॉम बहुत खुश होती है। अब वह औरत बच्चे के टेलीस्कोप में देखती है तो यहाँ का नजारा देख उस औरत की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो औरत उस बच्चे पर बहुत गुस्सा होती है और थप्पड़ लगा देती है। बाद में उसकी मम उसे समझाती है कि यह तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम्हें अभी इन सब कामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि तुम आगे तरक्की कर सको। उसकी मम्मी यह सब कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां केल्विन एक वैज्ञानिक बन चुका था। इस बैठक में देश के सभी बड़े बड़े वैज्ञानिक आए हुए होते हैं। यहां केल्विन अपनी प्रस्तुति देता है और अपनी दवा के बारे में बताता है। वह बताता है कि यह दवा किसी भी आदमी को पूरी तरह गायब कर सकती है। यह सुन सभी वैज्ञानिक हैरान हो जाते हैं। केल्विन की बात सुनकर कोई भी वह यानी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वह अपने आप को प्रूफ करने के लिए एक इंजेक्शन में दवा भरता है और अपने आप को इंजेक्शन लगाता है। इस दवा का केल्विन पर कोई असर नहीं होता और यह देख वहां बैठे सभी वैज्ञानिक केल्विन का मजाक उड़ाने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपनी दवा के असफल होने से केल्विन को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है, जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। वो उस पर हंसने वाले वैज्ञानिकों को पीटने लगता है। केल्विन का दिमाग इतना खराब हो जाता है कि वह मारपीट में 4 वैज्ञानिकों को जान से मार देता है। डॉक्टर गविन के दिमागी संतुलन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट उन्हें फांसी की सजा ना देकर उन्हें पागलों के अस्पताल में भर्ती करने का आदेश देती है। अब सीधा 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां केल्विन पागलों के अस्पताल से दुम दबाकर भाग रहा होता है। केल्विन उस पागल खाने से भागने में कामयाब भी हो जाता है। यहां हमें यह भी पता चलता है कि केल्विन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल के बच्चों को देखते हैं, जो दिखने में काफी शरारती होते हैं। तभी यहां उनकी प्रिंसिपल आती है, वो भी दिखने में काफी खतरनाक होती है। प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि तुम्हारी फिजिक्स टीचर मिस्टर फ्रैंकी की किसी कारणवश मौत हो चुकी है, उनकी जगह आज से तुम्हें मिस्टर स्मिथ फिजिक्स पढ़ाएंगे। मिस्टर स्मिथ और कोई नहीं, हमारा प्यारा शैतान केल्विन ही होता है, जो कि अपना नाम बदलकर स्कूल में अपनी पहचान छुपाने के लिए आया है। इस क्लास के बच्चे बहुत होते हैं, वह केल्विन के सामने ही उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, पर केल्विन उनकी बातों को इग्नोर करता है और अपनी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करता है। अब केल्विन की नजर एक लड़की वकी पर पड़ती है, जो कि काफी खूबसूरत होती है। वो उससे एक सवाल पूछता है, पर इस क्लास में किसी को कुछ नहीं आता था, इसलिए वह प्रोफेसर स्मिथ की बात को हंसी में टाल देते हैं। केल्विन को इन सभी बच्चों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह यहाँ कुछ नहीं कर सकता था। अब क्लास की लड़कियां बास्केटबॉल कोर्ट में डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वहाँ केल्विन आ जाता है। वह लड़कियों को इस तरह नाचता देख उनका दीवाना हो जाता है और वहीं खड़ा छुप कर देखने लगता है। अब थोड़ी देर बाद लड़कियां नहाने के लिए चली जाती है। कलन अब तक वहीं पर खड़ा देख रहा होता है। तभी वहां उन लड़कियों का क्लासमेट एक लड़का जॉर्डन आता है। वह लड़का वेंटिलेशन खिड़की से लड़कियों को नते हुए देखता है। यह करते हुए केल्विन भी उसे देख लेता है। उसके जाते ही केल्विन उस खिड़की से नजारे देखने लगता है। केल्विन उन जवान लड़कियों को देखने में मग्न हो जाता है। तभी वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है और केल्विन से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? केल्विन पहले तो उसे देखकर घबरा जाता है, फिर वो उसके सामने पैसे गिर जाने का बहाना बना लेता है। प्रिंसिपल केल्विन को बताती है कि उसे एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाना है, जो कि फिजिक्स में काफी कमजोर है, और उसे उस लड़की का एड्रेस देती है। अब हमें केल्विन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां केल्विन बेट अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा है। वो काफी उदास होता है, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट के विफल हो जाने पर उसके साथी वैज्ञानिकों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था
और अभी उसके स्टूडेंट भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब केल्विन उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने की ठान लेता है और फिर से अपने काम पर लग जाता है। 2-3 दिन बाद वह एक और फार्मूला तैयार करता है जो कि वह अपने खरगोश पर प्रयोग करता है, पर यह भी कारगर साबित नहीं होता। लेकिन अपना डॉक्टर हार मानने वालों में से नहीं था। वह दिन रात उसी फॉर्मूले के पीछे पड़ा रहता है और आखिरकार वह फॉर्मूला तैयार कर ही लेता है, जिससे उसका खरगोश देखते ही देखते गायब हो जाता है। ये देख केल्विन बहुत खुश होता है। अब बारी थी उस फार्मूला को इंसान पर प्रयोग करने की, तो वह अपने आप को ही इंजेक्शन लगाता है और वह भी गायब हो जाता है। पूरे 10 मिनट बाद वह खरगोश दिखाई देने लगता है, जिससे केल्विन समझ जाता है कि यह दवा सिर्फ 10 मिनट के लिए काम करती है। अब केल्विन काफी ज्यादा थका होने के कारण सो जाता है। रात को केल्विन के सपनों में लड़कियों के गंदे गंदे ख्याल आते हैं जो उसे अपने पास बुला रही थी। तभी केल्विन का सपना टूट जाता है और वो इस सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। तभी केल्विन को प्रिंसिपल का दिया एड्रेस याद आता है, जिसमें उसकी क्लास की एक लड़की का एड्रेस होता है। वो अपने आप को एक और इंजेक्शन लगाता है और उस एड्रेस के जरिए लड़की के घर पहुंच जाता है। वो उस लड़की के सभी कपड़े उतार कर और उसे निहारता है, चुम्मा चाटी करके भागता है। अब अगली सुबह केल्विन अपने क्लास के सभी स्टूडेंट्स का सरप्राइज टेस्ट लेता है और वह खुद एक बुक पढ़ने में लग जाता है। केल्विन बुक को पढ़ने में इतना ज्यादा खो जाता है कि वो टेस्ट को भूल जाता है। क्लास का टाइम पूरा होने के साथ ही सभी स्टूडेंट एक साथ अपनी बुक को जमीन पर गिराते हैं, जिससे केल्विन काफी घबरा जाता है। यह देख सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लग जाते हैं। उनको हंसता देख केल्विन को उन वैज्ञानिकों की याद आ जाती है जो उसके एक्सपेरिमेंट पर हंसे थे। इससे उसे काफी बेइज्जती महसूस होती है। केल्विन को उन सभी स्टूडेंट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उन सभी से पेपर छीन लेता है और उन सबको फेल कर देता है। तभी प्रिंसिपल एक वैज्ञानिक को अपने ऑफिस में बुलाती है, जो कि इंग्लिश में काफी कमजोर होता है। प्रिंसिपल उसे बताती है कि वह आगे की किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाएगा। ये सुनवा लड़का घबरा जाता है। इसी के चलते प्रिंसिपल उसे एक ऑफर देती है कि अगर वह उसकी प्यास बुझा दे तो प्रिंसिपल अपनी पावर से उसे पास कर देगी लड़के को। और क्या चाहिए था, वो प्रिंसिपल पर टूट पड़ा और उसकी आग को अपने पानी से बुझा दिया। अगली रात केल्विन को फिर से एक अजीब सा सपना आता है, जो कि उसके बचपन की याद होती है, जिसमें एक डॉक्टर केल्विन की माँ को कहता है कि केल्विन बहुत ही बुद्धिमान है, उसका दिमाग बहुत तेज है, वो अपनी जिंदगी में जो भी पाना चाहता है वो पा सकता है, लेकिन उसका दिल उतना ही कमजोर है, वह अपनी बेइज्जती कभी बदा नहीं कर सकता। अगले दिन केल्विन के दो स्टूडेंट टॉयलेट करते हुए उसी की बात कर रहे होते हैं, उसे सबक सिखाने का प्लान बना रहे होते हैं क्योंकि उसने उन्हें फेल कर दिया था। पर यह सब बातें केल्विन भी सुन लेता है। थोड़ी देर बाद केल्विन अपनी क्लास में जाकर पढ़ाना स्टार्ट करता है। तभी प्रिंसिपल केल्विन को जरूरी काम का बोलकर अपने ऑफिस में बुलाती है। यहाँ प्रिंसिपल केल्विन से पूछती है कि क्या आपकी जिंदगी में कोई औरत है। इस पर केल्विन कहता है, नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की और ना ही मेरी कोई प्रेमिका है। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत खुश होती है और केल्विन के पास जाती है। वो कहती है, तुम्हारे शरीर की भी कुछ जरूरतें हैं और मेरे शरीर की भी, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा करें। केल्विन समझ गया था कि वह क्या कहना चाहती है, पर पता नहीं क्यों वो उस माल को मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। इस बात पर प्रिंसिपल को काफी गुस्सा आता है। वह केल्विन को धमकी देती है कि अगर उसने उसकी प्यास को शांत नहीं किया तो वह उसे स्कूल से निकाल देगी और ड्रग्स का आरोप भी लगाने की धमकी देती है, क्योंकि उसे उसका इंजेक्शन मिल गया था। प्रिंसिपल के मुंह से पुलिस का नाम सुनकर केल्विन की फट जाती है और वह प्रिंसिपल के कहे अनुसार उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। प्रिंसिपल के इस बर्ताव से केल्विन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह प्रिंसिपल के साथ रोमांस करते हुए वहां पर पड़े एक पेन से प्रिंसिपल का मर्डर कर देता है। अब केल्विन प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर अपनी क्लासरूम में जाता है। यहां सभी बच्चे मिलकर केल्विन के साथ शरारत करते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि यह शरारत उन पर बहुत महंगी पड़ने वाली थी। इस मजाक ने केल्विन के गुस्से को और भड़का दिया। अब केल्विन गुस्से में पागल हो चुका था।
वह जल्दी से भागकर बाहर जाता है और स्कूल से बाहर निकलने के सभी रास्ते लॉक कर देता है। फिर वो एक इंजेक्शन निकालकर अपने शरीर में इंजेक्ट करता है और गायब हो जाता है। गायब होकर कैल्विन सबसे पहले एक प्रेमी जोड़े के पास पहुंच जाता है, जो कि अपना आराम से रोमांस कर रहे होते हैं। वह पहले तो उस लड़के को बहुत बुरी मौत मारता है और फिर उस लड़की के साथ बदतमीजी करता है, उसके सारे कपड़े फाड़ देता है। लड़की जान बचाने के लिए भागती है, पर कैल्विन उसे बड़ी आसानी से मार देता है। थोड़ी देर बाद दो लड़कियां वहां से गुजर रही होती हैं और उन्हें उस लड़की की लाश दिखाई देती है, जिसे देख वो दोनों बहुत घबरा जाती है और भागती हुई क्लास में जाती है, जहां कैल्विन पहले से बैठा होता है। वह लड़कियां उसे बताती हैं कि हमने वहां अपनी सहेली की लाश देखी है। ये सुनकर कैल्विन उनके सामने एक्टिंग करता है। वो उन दोनों को क्लासरूम में ही रुकने को कहता है और खुद पुलिस को बुलाने का बहाना लेकर बाहर चला जाता है। इसके तुरंत बाद ही कैल्विन खुद को इनविजिबल करके अंदर आता है। अब कैल्विन की आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर कैल्विन दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों लड़कियां बहुत डर जाती हैं और दरवाजे की ओर भागती है, पर दरवाजा लॉक होता है। अब कैल्विन पहली लड़की को नंगा करके फिश टैंक में डुबोकर मार देता है। वहीं ये दूसरी लड़की कैल्विन की फेवरेट होती है। ये वही एड्रेस वाली लड़की होती है। कैल्विन अपना मोटा हथियार उसके मुंह में डाल देता है और जोर जोर से अंदर बाहर करता है, जिससे इस लड़की का दम घट जाता है और यह भी मर जाती है। अब विक्की और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। विक्की नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और उसका बॉयफ्रेंड बाहर वेट कर रहा था। विक्की नहाना चालू करती है, तभी वहाँ कैल्विन आ जाता है। वो उसके रेडियो को पानी में गिरा देता है। इलेक्ट्रिक शॉक के कारण वह भी मर जाती है। अब विक्की को काफी देर हो गई थी। उसका बॉयफ्रेंड अंदर जाता है। वो लड़का देखता है विक्की को मार कर किसी ने अलमारी में पैक कर दिया है। ये देख वह थोड़ा डर जाता है और रोने लगता है। तभी उसके मुंह पर एक मुक्का पड़ता है। अब तो उसकी ओर भी फट जाती है और वो वहां से भागने लगता है। वह लड़का बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है और पूरी जान से भागता है, पर कैल्विन उसको बहुत पीटता है। वो उसे पीटते हुए छत पर ले जाता है और छत से सीधा नीचे फेंक देता है। इस लड़के का भी यहाँ पर खेल खत्म हो जाता है। अब हमें प्रिंसिपल का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर दो प्रेमी बिना किसी डर के खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों एक दूसरे की आग बुझाकर वहां से निकल जाते हैं, पर उन दोनों में से किसी को भी प्रिंसिपल की लाश दिखाई नहीं देती। अब वह लड़की बाथरूम में अपना कुछ सामान लेने के लिए जाती है, तभी वहां उसे विक्की की बॉडी पड़ी मिलती है। ये देख वह जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड अंदर आता है। जॉर्डन स्कूल में काम कर रहे सर्वेंट पर शक करता है और उसे ढूंढ कर पूरी तरह पीटता है। तभी वहां अदृश्य कैल्विन आ जाता है और वह उस प्रेमी जोड़े को पीटने लगता है। जॉर्डन से लड़ाई में कैल्विन को थोड़ी मुश्किल होती है। इस लड़ाई में कैल्विन को भी काफी चोटें लगती हैं। तभी कैल्विन दिखने लग जाता है और ये देख वो दोनों चौंक जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर कैल्विन लड़के को मार देता है और लड़की को अपने पैरों से बुरी तरह कुचल कर वहां से चला जाता है। अब कैल्विन अपने घर जाकर इस शहर को छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है, तभी जॉर्डन वहां गन लेकर उसके पीछे पहुंच जाता है। उसे देख कैल्विन चौंक जाता है। कैल्विन उसे अपनी बातों में उलझा कर चकमा दे देता है और इंजेक्शन ले लेता है। अब वो फिर से जॉर्डन की धुलाई करने लग जाता है। तभी वहां पड़ा एक इंजेक्शन जॉर्डन के हाथ लग जाता है। अब वो भी गायब हो जाता है और दोनों एक दूसरे को बुरी तरह पीटने लगते हैं। तभी गन हवा में उठती है और एक गोली चलती है। एक आदमी मारा जाता है। गोली की आवाज सुन नीचे खड़ी पुलिस वहां पहुंच जाती है, जो इस डेड बॉडी को की समझ कर वहां से चले जाते हैं। उनके चाहते ही कैल्विन हंसते हुए वहां प्रकट होता है और कैल्विन अभी रुकने वाला भी नहीं था। वो वहां से एक इंजेक्शन लेकर निकल पड़ता है और नेशनल टीवी की न्यूज एंकर, जो कि बारी बारी उसकी खबरें बताती रहती है, उससे बदला लेने के लिए वहां पहुंच जाता है और उसके कपड़े फाड़ देता है, जिससे सब जान जाते हैं कि कैल्विन अभी जिंदा है। इसी के साथ हमारी यह मूवी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल के